हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तरनदीप सिंह और आज हम आपके लिए लेके आए हैं नीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ का पार्ट 3। जी हाँ, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, आपके जो व्यूज आ रहे हैं, हमें उससे पता चला है कि आपने कुछ और पर्टिकुलर स्टेट्स का डिमांड किया है, तो डेफिनेटली हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और आज ये पार्ट 3 उसी स्टेट्स में से है जिसके अंदर हम लोग केरला देश को कवर करेंगे। अब हम क्लियरली बात करते हैं केरला के बारे में। बहुत सारे केरला के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें कॉल करके भी इवन ये बात करने की कोशिश की कि सर आप प्लीज़ हमें केरला के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं जहाँ की इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। तो अगर हम यहाँ पे केरला के कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें हमने रैंकिंग देने की आपको बात करी है। मतलब आपकी अगर ऑल इंडिया कोटा में है और आप अगर केरला में नहीं रहते हैं और आपको अगर कॉलेज चाहिए तो आपको किस रैंक के अंदर आना पड़ेगा। यहीं पे अगर आप देखेंगे SC ST कैटेगरी की मैंने बात करी है, SM कैटेगरी की बात करी है, जिसके अंदर अगर आप TD मेडिकल कॉलेज में जाते हैं अलाफूजा में तो आपको एटलीस्ट 840 रैंक लाना होगा। मतलब आपके 840 के अंडर रैंकिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्लियरली देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की है कि 840 आपका एटलीस्ट रैंक आना चाहिए। अगर मैं GMC कॉलेजेस की बात करूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, जहाँ पे एर्नाकुलम है 912 रैंक आपका आना चाहिए एटलीस्ट, राइट। कोझीकोड है 260 रैंक में आपका अंदर आना चाहिए। बहुत बढ़िया बेहतरीन कॉलेज है ये। देन अगर मैं GMC पेरेपिल्ली की बात करूँ, कोलम के अंदर यहाँ पे 933 स्कोर आपको करना पड़ेगा। और अगर मैं GMC कन्नौर की बात करूँ तो 911 स्कोर करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर केरला में एडमिशन लेना है तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। और अगर आप कैटेगरी रैंक के अंदर हैं तो भैया, अगर आपकी 1000 से ज़्यादा रैंक है जनरल कैटेगरी या SM कैटेगरी के अंदर, तो भैया भूल जाओ, बहुत मुश्किल है एडमिशन होना। GMC पलक्कड़ बहुत अच्छा कॉलेज है ये, जो आपका यहाँ पर जिपमर भी है पलक्कड़ में, नहीं IIT है यहाँ पे पलक्कड़ में जो नया नया बना था। तो 13,432 रैंक यहाँ पे आपको SC के अंदर चाहिए, SC के अंदर 23,000 रैंक चाहिए। अगर आप GMC थ्रेसर में हैं तो 631 रैंक के अंदर आपको आना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखें केरला में कि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। आप त्रिवेंद्रपुरम में देखिए, त्रिवेंद्रपुरम में अगर हम जाते हैं GMC के अंदर तो भैया यहाँ पे आपको 400 के अंदर आना पड़ेगा। और अगर आप पलक्कड़ में जाते हैं या किसी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस पर्टिकुलर कॉलेज की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे GMC त्रिवेंद्रपुरम की, जहाँ पे आपको 400 के अंदर आपकी रैंकिंग आनी चाहिए। अगर आप SC कैटेगरी में हैं, इवन ST कैटेगरी में, तब भी भैया आपको एटलीस्ट 18,000 तो चाहिए ही चाहिए। इसके बाद अगर मैं करुणा मेडिकल कॉलेज पलक्कड़ की बात करूँ तो 5,000 के अंदर आपको आना पड़ेगा। अमला इंस्टीट्यूट में मेडिकल साइंस है थ्रीसर में, आपको 1857 रैंक चाहिए यहाँ पे, राइट। तो ये सारे कॉलेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप प्लीज़ यहाँ पे देखते जाइए एक एक करके, ठीक है। अजीजिया इंस्टीट्यूट में मेडिकल साइंस है मेनूर में, कोल्लम में, यहाँ पे आपको 4,002 रैंक चाहिए होगा, राइट। MES मेडिकल कॉलेज है मलप्पुरम में, ये आपको 2,000 से अंदर आकर रैंक आना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल पाए यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेट पर। और श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज है, ये सारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स है जो कि केरला का ऑल इंडिया का 15% काउंसलिंग पे मिलता है, मैंने आपको यहाँ पर ये बताया। आगे चलते हैं, जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट थ्रेसर 1621 रैंक आना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि KM City मेडिकल कॉलेज है कोझीकोड में, जहाँ पे आपका 3421 रैंक एटलीस्ट आपको चाहिए सो दैट आप एक अच्छा कॉलेज ले पाए, राइट। इसके अलावा उत्तापुलम में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, 5804 रैंक आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाती है। और 5804 रैंक में अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बढ़िया कॉलेज मिल सकता है। पुष्पागिरी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस थिरुगला 2000 रैंक आना, आप देखिए यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट। श्री नारायण इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एर्नाकुलम में 5,500 रैंक के अंदर आना पड़ेगा। SUT अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस त्रिवेंद्रपुरम में 4,597, मतलब 4,589, 5,000 के अंडर आपको रैंक यहाँ पर लानी पड़ेगी। तो ये मैंने बात करी यहाँ पे केरला की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बहुत अच्छे हमने यहाँ पे कॉलेजेस डिस्कस किए, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये सारे कॉलेजेस थे जहाँ से हमने TD मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट किया, जिसके इस पर्टिकुलर पेज के अंदर आपके 1000 के अंदर रैंक आनी चाहिए SM कैटेगरी के अंदर। और अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो आगे जाके यहाँ पे आपको कुछ कॉलेजेस ऐसे भी मिले जहाँ पे आपकी 5,000 के अंदर भी रैंक आती है तो आपको कॉलेज मिल जाता है। देन इसके बाद हमने आगे बात करी कॉलेजेस की केरला के अंदर ही, जिसमें आपकी 5,000 से ऊपर अगर रैंक जाती है तो आपको यहाँ पे PK दास मिल जाता है उत्तापुलम में, और आपको श्री नारायण इंस्टीट्यूट मिल जाता है 5,531 पे, राइट। तो ये हमने कॉलेजेस की यहाँ पर बात कर ली। तो अगर आपको कोई और पर्टिकुलर डाउट है केरला से लेकर, प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिए और लाइक करते रहिए चैनल को। जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप ही लोगों की मोटिवेशन की वजह से हम लोग और वीडियोस के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम इंस्पायर होते हैं आप लोगों से। तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
सो गाइज, आपने जैसे देखा कि हमने डिस्कस किया है यहाँ पर आज और केरला के कुछ कॉलेजेस के बारे में, तो याद रखिए गाइज, आप जो जो स्टेट्स हमें बताते जा रहे हैं हम लोग उस पर रिव्यू कर रहे हैं और डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके सारे कमेंट्स का रिस्पॉन्स कर पाए। तो प्लीज़ मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे तभी हमें ये मोटिवेशन मिल पाता है कि हम और वीडियोज़ को बना पाएँ। तो गाइज प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।